दिनों रात आज की शब कारवां सराय के जो मेहमान हैं वो राकापोशी के दामन में शब बसर करेंगे और हम आपको एक ऐसे नगर में लेके चलेंगे जिसका नाम ही नगर है। और वहाँ हमारा मेज़बान कौन होगा? राकापोशी की जो जन्नत है उसका दारोगा ज़ाती तौर पे हमारा मेज़बान होगा। नगर जो है बहुत अरसा गुमनाम पड़ा रहा, शाहराए कराकरम भी उधर से उसको अवॉइड करती, दूसरी जानब हुंजा की तरफ चली गई। और उसकी कुछ वजूहात हैं, उनका यहाँ तज़करा करना जो है वो अब तो फजूल है, लेकिन बाहर तौर और नगर जो था सब कुछ उसमें था। मतलब जिस नगर में राकापोशी हो उसके उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके सिवा बर्पू ग्लेशियर, हेस्पर ग्लेशियर यानी स्नो लेक से जब आते हैं हेस्पर ग्लेशियर के रास्ते आते हैं, ये नगर में है। और उससे आगे हेस्पर का गांव भी नगर में है। और बुलंद तरीन जो लेक्स हैं दुनिया की शायद, रश लेक, वो भी नगर में है। और नगर के अपने रसूम हैं, रिवाज हैं। तो ये बहुत अरसा गुमनाम रहा। फिर ये जो दारोगा साहब हैं राकापोशी के, सैयद असरार साहब, ये तशरीफ़ लाए और इन्होंने इसको नामवर कर दिया। पहली मरतबा जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो निसफ शब हम पहुँचे और ख़वातीन हज़रात जब हम पहुँचे तो असरार जो था अपने बच्चों समेत, अब उन बच्चों को किस चीज़ से तशबीह दें? वहाँ जो सेब थे उनके रुखसार ऐसे थे, खुबानियाँ जो लगी थी उनके होंठ ऐसे थे, और गुलाब जो खिले थे उनके चेहरे गुलाब थे। उन्होंने मेरे लिए गीत गाए, मुझे फूल दिए, और उन गीतों में वो रिवायती गीत थे पुराने कि हमारा मेहमान आया आज की शब और हम इसके रास्ते में फूल बिछाते हैं। यूँ इसरार से पहली मुलाकात हुई और वही हमें लेकर गया तागाफेरी राकापोशी के बेस कैंप पे। और अभी मुझे याद है कि हिपाकुन में एक छोटा सा हट था पथरीला, इसने कहा कि जी आपने इधर नहीं आना। तो हम शाम को उसने कहा कि आ जाएं, और हम वहाँ गया तो वहाँ पे एक शाही दस्तरखान बिछा था और उसमें और बहुत सारी जो नेमतें थीं उसके अलावा हैरान कुन हद तक चिकन चाउमीन भी थी। तो मैंने कहा कि चिकन चाउमीन कहाँ से आ गई? तो इसरार कहने लगा कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि आपको ये पसंद है, तो मैंने सोच रखा था कि जब भी आप आएंगे यहाँ नगर तो मैं आपको ये चिकन चाउमीन खिलाऊँगा। इसी सैयद इसरार से हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते थे, लेकिन पिछले दिनों और आज भी खबर आई है कि वहाँ पे जितनी फ़्लाइट्स हैं वो मुअत्तल हो रही हैं और शाहराए कराकरम जो है बंद है। तो रहमत नबी की मानिंद हम भी इसरार से वीडियो लिंक पर बातें करेंगे। तो आप ये फरमाएं कि आपका ताल्लुक जो है नगर की रॉयल फैमिली से है, तो ये काम होटल वाला जो है ये क्या ख्याल आया कि आपने ये सिलसिला शुरू किया? जी सर, फैमिली कैसी भी हो जैसी भी हो, इंसान को ज़र्रे माश के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ज़ाहिर उस वक़्त अर्ली 19 में जब हमारा गेस्ट हाउस खुल गया, उस वक़्त मेरी इतनी एज उम्र भी नहीं थी कि मैं कोई कारोबार या नौकरी करूं, लेकिन घर के जो बुज़ुर्ग थे ये उनका फैसला था। शुरू में मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ कि यहाँ अंग्रेज़ आएंगे तो पता नहीं मुझे अंग्रेज़ी बोलनी आएगी या नहीं आएगी। बहरहाल इस तरह ये स्टार्ट हुआ कि ये गेस्ट हाउस हमने यहाँ पर बनाया, क्योंकि मिनपिन टूरिज़म से हमें थोड़ी सी वाकिफियत थी। यहाँ दीरान पीक और राकापोशी दो दुनिया के मशहूर जो पहाड़ है, चोटियाँ हैं, इनकी बीच इनकी वादी में मिनपिन आबाद है। यहाँ पर तो टूरिस्ट आते रहते थे, उनसे थोड़ा हमें आशनाई थी कि ये जो टूरिज़्म के मामले में
तो बहरहाल ये उनका फैसला था, तो मैं ये शुरू में नर्वस तो था लेकिन चलाया, लेकिन बहुत अच्छा चला। और तकरीबन दीरान गेस्ट हाउस हर गाइड बुक में जो लोनी प्लानेट की किताबें थी उस ज़माने में, इस तरह नेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वो किताबें गोरे लेके आते थे, वो हमें दिखाते थे, वहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ था होटल के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, हमारे डिशेस के बारे में। तो हमें खुशी होती थी कि ये कामयाब मतलब गेस्ट हाउस चला उस ज़माने में। और मैं खुद भी शुरू में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब ये चला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, इसी इसी लाइन का ही मैं मतलब मेरे मिजाज के मुताबिक था ये हॉस्पिटैलिटी। पढ़ा तो नहीं था मैं किसी इदारे से हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म, लेकिन जब इस लाइन में आया तो मुझे एहसास हुआ और मैं शौक से, लगन से और मेहनत से ये गेस्ट हाउस चलाया और बड़ा कामयाब रहा इस फील्ड अच्छा, जब हम आए थे तो मुझे याद है, हम दीरान रेस्ट हाउस आए थे, उसको आप मैनेज कर रहे थे, तो ये जो उशु थांग वाला सिलसिला है, इसको कायम करने का ख्याल कैसे आया? में। जी सर, दीरान गेस्ट हाउस में पहली दफा आप आए, आपसे वाकफियत तो हमारी बरसों से थी, बचपन में हम आपको टीवी पे देख के एक मुसर्रत और खुशी महसूस होता था, पनाइयत होती थी आपके साथ, एक ताल्लुक हमारा था। लेकिन वो जब आप वहाँ पर आए तो इसका आपका मैं अभी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए नाका पोशी का ट्रैक करने के लिए। लेकिन इस बात पर मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा डॉक्टर एहसान का भी, जिसने इस सफ़र को आपके साथ यहाँ लाने के लिए मुमकिन बनाया था, क्योंकि डॉक्टर एहसान थे जिसने आपको यहाँ हमारे पास लाने का प्रोग्राम बनाया। तो उस वजह से मैं उसका एहसानमंद हूँ और आपका भी, न कि मैं पूरा नगर वाले उस, आपको पता है जब आप आए आपसे मिलने लोग आते थे सुनकर, क्योंकि उस ज़माने में जब शुरू में 2013 की बात है कि सोशल मीडिया भी इतना पॉपुलर नहीं था, लोगों को फिर भी पता चला वो आ गए कि तारेट साहब हमारे पास आए हैं, वो जोग दर जोग आपके पास आते थे। तो वो साहब, मैं नहीं, पूरा नगर वाले खुश थे कि हमारा मोहसिन आपको समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, जिस तरह आपने हमारे इस इलाके इस पहाड़ों से आपने इश्क की है, तो उसी वजह से हमारे दिलों में आपकी एक मोहब्बत है रहेगा। तो वो जो उस वजह से कि आप यहाँ पर आए गेस्ट हाउस में, हमें बहुत ही खुशी हुई। लेकिन फिर एक वक्त आया कि गेस्ट हाउस को मैंने छोड़कर फिर ओशो थांग बनाया। ये आपका जो सवाल है कि आप ओशो थांग चले गए, तो जो ओशो थांग मैं अपनी खुशी से नहीं, ये भी घर का बुजुर्गों का फैसला था, और उन्होंने कहा एक बंटवारा एक वक्त होता है, भाइयों में भी तकसीम हो जाते हैं, लेकिन वो मेरा जाए पैदाइश थी वो जगह दीरान गेस्ट हाउस, वहाँ मैं पला बड़ा था, वहाँ मैं बड़ा था, खेला कूदा था, उस जगह से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी उसके अलावा बुजुर्गों का जो फैसला है, उसके अलावा सर तस्लीम खम के अलावा मेरे पास और कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर यहाँ आके ओशो थांग आपको मालूम है हमारी ज़बान में शाही मेहमान खाने को ओशो थांग कहते हैं, क्योंकि मेरे जहन में इको टूरिज्म, इलाकाई कल्चर को प्रमोट करना, इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर थी, जो मैं दीरान चलाते हुए भी मैं इसको मद्देनज़र रख कर हमारे जो कुजीन था यहाँ नगर का, मशहूर डिशेस थी जो भी था, वो उसी तरह मैं अपने मेहमानों की पजिराई करता था। तो वो जहन मेरे था और मैं यहाँ आया, लेकिन आप सब की दुआओं से मैं यहाँ भी कामयाब हुआ। ओशो था बहुत अच्छा चला, आज भी दुनिया में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने फलाने वीडियो देखा, हमने ये देखा, हमें खुशी होती है। और बहुत से लोग आपके नाम लेके आते हैं कि तारेट साहब का नाम यहाँ पर है, उसके नाम पर, तो वो आ जाते हैं। तो ओशो थांग तो आप सब की, यार दोस्तों की और बुजुर्गों की दुआओं से मैं यहाँ कामयाब हुआ हूँ, और इसमें सबसे बड़ा वजह और इसका जो कामयाबी के पीछे भी आपका हाथ है सर, और क्योंकि आप सब की मोहब्बत जो मैंने आपसे की थी उसका यहाँ रंग लाया, और यहाँ पर लोग मतलब बहुत ही मतलब हमारे इलाके में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चलने वाला होटल अभी ओशो थांग बन गया है आप सबकी दुआओं से।
تو یہ ایک خوشایند بات ہے سب کے لیے، علاقے کے لیے، بلکہ یہاں سے ٹورزم سیکھ کے اسی اوشو تھانگ میں جو ہمارے پاس لٹکے ہم سے سیکھ کے کام فرمینا پین میں وہ اپنے گیسٹ ہاؤسز چلاتے ہیں بڑے احسن طریقے سے، کہ آج میں یہاں نظر رکھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوٹلس اور مینجمنٹ کو چلا رہے ہیں اور لوگ ان سے بھی خوش ہیں، ہمارا علاقے کو ایک انکم کا ذریعہ بن گیا اور یہ اوشو تھانگ مرکز بنا ہے۔ جی، سوالات کا سلسلہ جاری، اور میں اس دوران بہت شرمندہ تھا، اتنی زیادہ توصیف کی میں اس لائق نہیں ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ہوٹل میں ایک پورا بلاک میرے نام کا رکھا ہوا ہے، میں آج تک بدقسمتی سے دیکھ نہیں سکا، بلکہ آپ نے خصوصی طور پہ ایک کمرہ بنایا ہے جس کے باہر میرا نام لکھا ہے، اور جو لوگ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم راکا پوشی نگر میں ٹھہرے، عمدہ داستہ، وہ آپ نے کمروں کے نام بھی رکھے ہیں، تو مطلب کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا ہے محبت کے علاوہ؟ سر، آپ کا سوال، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوٹل میں میرے کتابوں کے کمرے ہیں۔ میں، یہ عشق کے معاملات ہیں، آپ سے ہم نے دلی محبت کی ہے، تو وہ یہاں پر، کیونکہ اوشو تھانگ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے لیے میں کیا کر سکتا تھا؟ کہ اوشو تھانگ میں میں نے بہت کچھ سوچا کہ میں کس طرح اپنے محبوب کو خوش کروں، اور اس کو میں چھوٹا سا اپنا عقیدے کا، اپنا جو محبت کا، اس کو اظہار کرنے کے لیے، میں شاہجہان نہیں تھا کہ میں آپ کے لیے تاج محل تعمیر کرتا، میں نے اپنے ہوٹل کا ایک کونا مستنصر حسین طارق بلاک کے نام سے بنایا، اور اس کے ہر کمرے کا نام آپ کی کتابوں کے نام۔ اس سے یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت بھی ہمارے لوگ نہیں بھول جائیں گے، ہم پہاڑوں کے جو لوگ ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک کوئی بندہ ہمارے طرف ایک نظر کرتا ہے تو ہم ان کے لیے سو دفعہ ہماری نظریں ان کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو محبت ہے، جو عقیدہ ہے ہمارے پہاڑوں سے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، تو میں نے یہ اپنا عقیدے کا تھوڑا سا محبت کا اظہار کیا۔ بہت بڑا احسان نہیں ہے یہ کہ آپ کے اوپر کہ ہم نے آپ کا نام پہ بلاگ بنایا ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا، اور ان کو بھی احساس بھی ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہیں دفعہ بولا ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں محبت ہے اپنے ملک سے بھی، ورنہ جو سیاسی مسائل، جو سیاسی دھنگے یہاں، فساد ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ہمیں کوپ بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی کتابیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ واقعی آپ ہمارے پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے سر، تو آپ کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے۔ میں کیا کہوں۔ اچھا، چلیے یہ بتائیے کہ آپ کے کھانوں کی بڑی دھوم، اور سنا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں دوسرے ہوٹلوں والے، وہ بھی اگر کسی کو خاص طور پہ مدعو کریں کھانے کے لیے تو وہ آپ کے ہوٹل میں آتے ہیں، اور مجھے یہ یاد ہے کہ آپ کچھ لوکل انگریڈینٹس بھی استعمال کرتے، خاص طور پہ جو آملیٹ میں اب بھی یاد کرتا ہوں، اور وہ اتنا خوشبودار اور اس میں مہک ہوتی تھی خاص نگر کی، تو یہ راز کیا ہے؟ کوئی مسالے علیحدہ ہیں، اجزاء علیحدہ ہیں، یا کیا سلسلہ ہے؟ سر، کھانوں کا ہم کیا بتائیں، کیونکہ جب ہم نے نام ہی یہاں اوشو تھانگ رکھا، اوشو تھانگ شاہی مہمان خانہ، شاہی مہمان خانے کا جو کوزین ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہونا چاہیے، جس طرح یہاں کے شاہی خاندان اس زمانے میں پکاتے تھے، اسی کو مد نظر رکھ کر میں اپنے تمام، جو میرا کوزین ہے، جو میرا پکوان ہے، یہاں کا جو دسترخوان ہے، میں نے اوریجنل لوکل آرگینک کھانوں کے اوپر توجہ کی ہے، جو کہ ماشاءاللہ بہت مشہور ہوا ہے، بلکہ پورا نگر اسی کی وجہ سے مشہور ہے۔ آج گورکن جو پتھر والی ہانڈی ہے، جو ہمارا پرانا ثقافت تھا، اس کو میں نے دوبارہ زندہ کیا، اور اس میں لذت کی آپ کہتے ہیں بات، سر وہی گوشت ہے جو اس پہاڑوں میں ہمارے جانور، جڑی بوٹیاں، جو تر و تازہ یہاں کے جڑی بوٹیاں کھا کے، یہاں کے چشمے جو راکا پوشی سے
निकल के आती है, उसी का पानी पीने वाले जानवर का गोश्त तो लजीज होगा। तो वो हमारे यहाँ आप मसाले की बात करते हैं, तो मसाले उस जमाने में थे नहीं। कहते हैं कि हमारा राजा अपने लिए नमक कश्मीर से मंगवाता था, यहाँ नमक तक नहीं था, तो मसाले की आप बात करते हैं। वही सीधा सादा खुराक जो पुराने वक्तों में होता था, उसी को हमने दोबारा उसी रेसिपी को जिंदा किया है, इस वजह से शायद लोगों को लुत्फ आता है। लेकिन एक ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें थोड़ा मैं अपना खलूस भी अंदर शामिल करता हूँ। अच्छा, असरार जो है वो बातें नहीं करते, शायरी करते हैं। शायरी में मुबालगा होता है, इसलिए जो भी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं वो मुबालगे में शामिल है। अच्छा असरार, आप ये बताएं कि आप सिर्फ होटल नहीं चलाते बल्कि आप बहुत सारे फलाही काम भी करते हैं। आपके वालिद साहब भी नामवर शख्सियत थी इलाके की, और वो भी अपने फलाही कामों के हवाले से पहचाने जाते थे। बल्कि मुझे बताया गया कि आप अपने होटल में जो मेंटली वो कहते हैं रिटार्डेड कह लें या ज़हनी तौर पे जो ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल करते हैं, रोज़गार उनको देते हैं। आपने सूबाई तअस्सुब भी कम किया, यानी हंजा और नगर के दरमियान जो थोड़ा सी रंजिश थी, तारीखी थी, लेकिन अदरवाइज़ उसके बाद भी वो चलती रही, उसको कम करने में आपका किरदार बहुत ज़्यादा है। और उसकी तौसीफ़ जो है वो हंजा वाले भी करते हैं। तो आपने किस तरह ये मैनेज किया, मतलब है कि यूएनओ में जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सुलह कराता है, तो आप इस किस्म के नगर के जो है उसके मतलब के पीस कह लें कि अमन के नुमाइंदे थे, तो किस तरह आपने मैनेज किया? जी सर, फलाही काम तो मुझे माशाल्लाह वर्षे में ही मिला है। हमारे वालिद साहब, हमारे आबा अजदाद, खुद हमारी वालिदा जो प्रिंसेस थी, वो भी अपने हसब तौफीक फलाही काम करती थी। ये मुझे एक अल्लाह ने मौका दिया कि ओशो थान में चलाता हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार है, तो मैं फलाही काम ये जारी रखूँगा और करता हूँ इंशाल्लाह। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं गरीब लोगों के लिए, मतलब इंसानियत के लिए और इस खूबसूरत माहौल के लिए, जिस तरह मेरे मरहूम बाबा अपनी ज़िंदगी वक़्फ की थी लोगों की, यहाँ से गुरबत को ख़त्म करने के लिए, खुसूसन तालीम जो था निस्वां ख़वातीन की हुकूक़ और उनकी तालीम के ऊपर उसने जो मेहनत की थी इस इलाके में, और वो रंग लाई बाद में। आज तो माशाल्लाह हमारे बच्चियाँ, हर घर में कोई ऐसी बच्ची या बच्चा नहीं है जो स्कूल नहीं जाता हो, तो इनमें मेहनत थी हमारे बुजुर्गों की। तो फलाही काम इसी तरह मैं भी जारी रखता हूँ, खुसूसन जो हमारे वालिद साहब ने इस इलाके में इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया था। 80 के दहाई में इस इलाके में एक RSP के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लोगों को घर घर जाकर यहाँ का कंजर्वेशन के ऊपर उनको ब्रीफ किया, लोगों को बावर कराया कि ये जंगली हयात हमारा है, कौमी एक ख़जाना एक दौलत है, इसकी हिफाजत करें। और कम्युनिटी बेस पर पहली दफ़ा ही नगर में बर वैली में इस कंजर्वेशन कमेटी बनी और हमारे वालिद साहब कामयाब हुए। फर्स्ट ट्रॉफी हंटिंग 1992 में जब यहाँ हंट हुआ आईबेक्स, और लोगों को प्रैक्टिकल पता चला वाकई ये कीमती जानवर है जिसको हम ज़ाया कर रहे थे, तो ये आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद हमारे वालिद ने रखा था। आज पूरा हंजा खैबर करम्बर और बहुत से जगहों पर कंजर्वेशन एरियाज है, सालाना करोड़ों लाखों ने करोड़ों हम कमाते हैं। उसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि 75% कम्युनिटी को मिलता है और 25% गवर्नमेंट उठाती है। इस काम के पीछे हमारे वालिद साहब का हाथ था। रही बात आपका सवाल है कि दरिया के उस पार, तो मुझे दरिया का इस पार और उस पार पर मुझे मतलब ये यकीन ही नहीं है कि ये एक ही, हम एक ही लोग हैं, हम इंसान हैं। तो यहाँ इंसान
कि हम मैं बात करता हूँ तो हुंजा और नगर के लोग तो एक कौम है, एक जबान है, एक सकाफत है, तो हमारा क्या इख्तलाफ हो सकता है। तो मैं इस चीज़ को बहसत इंसान, बहसत नगर का एक बाशिंदा और बहसत इस घर का जिस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ, उस उन बुजुर्गों का जो हमें वसीयत है, जो उन्होंने हमें जो तरबियत दी है, उसी को आगे ले जाने में कोशिश करता हूँ। अपने हल्का जो मुमकिन मुझसे हुआ, मैं इस चीज़ के मतलब बिल्कुल ख़राब हूँ कि मैं फलानी, मैं अंगुली भी नहीं उठाता हूँ तो वो शख्स करके, कि भाई हम एक ही लोग हैं, ये जो पहाड़ है अल्लाह ताला को ही ये नागुज़ीर है। ये राका पोशी तो नगर में है लेकिन देखने के लिए हुंजा है, हुंजा नगर का आईना है, हुंजा नगर हुंजा के लिए नगर आईना है। ये अल्लाह ताला फितरत को ही मंजूर नहीं है। हमारे पास जो पहाड़ है, गोल्डन पीक है, दीरान है, राका पोशी है, इन सब का खूबसूरत नज़ारा व्यू तो हुंजा से होता है। और हुंजा का हम पहले से भी मशहूर है कि टूरिज़म, जो आज इस इलाके में टूरिज़म से हम रोज़गार है, हमारे बेरोज़गार लोग कमाते हैं, ये सब इनमें ज़्यादातर हिस्सा हुंजा का है कि उन्होंने हुंजा टूरिज़म को प्रमोट किया, तो वो हम मशहूर है हुंजा के लिए। तो ये हमें बाद में जो लकीर है दरिया का, इसको हम समझते ही नहीं हैं। तो हम ये हमारा नज़रिया है और हमने ये अपने बुजुर्गों से सीखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये काम हमारा जारी रहेगा। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है कि हुंजा और नगर का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुंजा और नगर मतलब लाजिम और मलजूम है टूरिज़म में। अगर नगर ना होता तो ना हुंजा कुछ नहीं कर सकता, अगर हुंजा ना होता तो नगर वाले कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों मिलकर टूरिज़म में अपना नाम निकालें। जिस तरह हमने एजुकेशन पर, हॉस्पिटैलिटी, हमारे मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, ये दोनों खित्तों की वजह से। अगर हम छोटे छोटे अख्तिलाफात, किसी ज़माने में दो भाइयों में अख्तिलाफ़ था, दो भाई राजा थे, तो वो आज भी हमारे दिल में, मतलब ये तो मजाक वाली बात है, दुनिया के लोग हम पर हंसेंगे। तो इसको मैं मतलब वाकई एक पुल की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि ये मतलब ये बात ऊपर ही ना आ जाए कि हम हुंजा के हैं या हम नगर के हैं। तो इस तरह का है। बाकी रही बात, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से फलाही काम मैं जारी रखूँगा। अच्छा, ये आपने उस तरफ इशारा भी किया है और मैं भी यही पूछना चाहता था कि जहाँ पे टूरिज़्म बढ़ी है और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ज़ाहिर है इन्वायरमेंट को हुआ है, आपने कुछ उसका तज़किरा किया है, लोग कचरा फेंकते हैं, वो आगाह नहीं है, शहरों के आदि है, जहाँ पे जी आया कचरा फेंक दिया, बाद में वहाँ साफ भी हो जाता है। कुदरत में तो मतलब कोई सफाई का ऐसा बंदोबस्त नहीं होता, ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे अब तक याद है कि मैं फेरी मेडल जा रहा था तो मैंने बेध्यानी में एक रैपर फेंका, तो वो एक मेरे साथ फ्रेंच टूरिस्ट था और उसने अपनी जान खतरे में डाल के जहाँ पे रैपर जाकर अटका था उसको पकड़ा और अपने रुकसैक में रख लिया। मुझे शदीद शर्मिंदगी। तो इस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कहते? जी सर, सियाहत वाकई बड़ी है, साल ब साल टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है और बेहंगम, मतलब हमारा ना उनको कल्चर का पता है, न सकाफत का, न सलाक़े का, न उनको कोई दिलचस्पी है पहाड़ों से। उनको या तो कोई अच्छा खाना हो या बोन फायर हो, पिरामिडों में जाएं, नंगा पर्वत के सामने माहौल बार में जाए, जितना ग्लेशियर मेल्ट होना है हो जाए, यहाँ के दरख्त कट जाए, उनको कोई सरोकार नहीं है, बस उनको बोन फायर हो। उनको पता नहीं है जूनिपर कितना कीमती एक लकड़ी है, उसको रात भर वहाँ जलाए रहेंगे, वो शोर गुल करेंगे। तो इस तरह है, लेकिन इसका हल ये है कि सर हमारे यहाँ भी इसी तरह मसाइल है, लेकिन हम समझते हैं कि इसको कंट्रोल करना आसान है। हम अपने जो सयाह भाई है, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है, वो तो समझदार है। वो फॉरनर टूरिस्ट से जो कुछ हमने यहाँ सीखा है, वो जो कुछ भी हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट के लिए सीखा है, वो तो फॉरनर से हमने सीखा है, जो सफाई के मामलात है। हमारे जो अपने सयाह, जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उनमें भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे मतलब सुलझे लोग भी आते हैं, कुछ नासमझ हैं, लेकिन हमने मतलब मिल के, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती है,
यहाँ जो हम टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं, जो टूरिज्म से हम कमाई करते हैं, जो होटल वाले, गेस्ट हाउस वाले, कैंप वाले, पोर्टर, गाइड, गाड़ी वाला, हम सब मिलकर इनसे और जो सयाह भाई, हमारे सयाह हजरात, हमारे मेहमान आते हैं, हम मिलकर इस इलाके की हिफाजत, इसकी कल्चर, इसकी सकाफत ही तो देखने लोग आते हैं। इसका मखसूस कल्चर हम पूरी दुनिया में, इसका मखसूस जो सकाफत है यहाँ का, जो यहाँ का माहौल है, यहाँ का जो खूबसूरती है, यहाँ पाक साफ जो झरने हैं, यहाँ पोल्यूशन से पाक जो माहौल है, यहाँ का आब हवा है, यहाँ की जो मखसूस हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ कचरे का ढेर बनेगा तो ना आप आएंगे, ना हम में से कोई यहाँ पर रहने के काबिल बनेगा। कंक्रीट का जो बिल्डिंग आजकल, जो ये तरक्की को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर, आपको अब भी खुश हो जाएंगे कि मिनपिन नगर में सेलेक्ट हुआ है, गुलकिन हुंजा में सेलेक्ट हुआ। ये दो विलेजेस सस्टेनेबल टूरिज्म के हवाले से IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वालों ने फंडिंग की है। इनिशियली इन दो विलेज पे वो इको टूरिज्म पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, जो लेटेस्ट डिस्कवरी है नगर की, जिसकी बहुत धूम है, वो है खो। उसको आपने बावे नगर का नाम दिया है, तो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं और वहाँ से हफाकुन नज़र आ रहा है, राकापोशी का पूरा मंजर। और कई लोगों के ख्याल में वो नॉर्थ का सबसे स्पेक्टेकुलर मंजर है, उससे बेहतर कहीं और ऐसा मंजर नहीं है फेरी मेडो के अलावा, वो उसकी क्लास अलग है। तो मुझे ये खदशा है कि वहाँ पे कहीं होटल वगैरह ना बनने शुरू कर दें लोग, वहाँ पे भी जिस तरह फेरी मेडो में हुआ है, तो उस तरह आप किस तरह इसकी रोकथाम कर सकते हैं? जी सर, हो वाकई एक खूबसूरत जगह है जिसका मैंने नाम भी रखा है बामे नगर, तो क्योंकि ये बहुत ही मेरे ख्याल में हुंजा नगर, बल्कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान में सबसे जो खूबसूरत व्यू पॉइंट है मेरी नज़र में खो है। कमाल का वहाँ से व्यू होता है, जितने आप हाइट पे जाते हैं, पहले तो हम दुई कर जाके समझते थे कि हम हुंजा के छत पर आए हैं, लेकिन खो क्योंकि पुराना पुराना हमारा एक छोटा सा मेडो है, चरागाह है, लेकिन जब से ये रोड बना, कम्युनिटी ने खुद इसके यहाँ तक एक्सेस इस रोड को बनाया है, तो इसमें अगर ये छोटी सी जगह में होटल बनेंगे तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा, यहाँ कौन जाएगा? तो इसके लिए हमने सोचा है वहाँ की जो कम्युनिटी है, क्योंकि इसी के साथ जगह है मियाछर, जो बहुत खूबसूरत विलेज है हमारा मिनपिन सुपर मियाछर। तो मियाछर जाते हुए रास्ते में अगर गेस्ट हाउसेज हों, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हो, आने वाले सयाह के लिए अगर वो उनके लिए पानी का बंदोबस्त हो, वहाँ पर रेस्ट कोई एरिया हो छोटा मोटा, मतलब इतना बड़ा बिल्डिंग की वहाँ ज़रूरत नहीं है। खो जो है उस मुकाम पर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन खो जैसे और भी जगह हैं सर, यहाँ पर अनएक्सप्लोर है, बहुत से जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर वहाँ से इंसान देख के हैरान दंग रह जाता है कि हमारा रब हमसे राजी है कि इस तरह हमें इन नियामतों से नवाजा है, कि हम खुशकिस्मत हैं इन पहाड़ों में, इस इलाके में। ऐसे और भी मुकामात हैं जो एक्सप्लोर होने बाकी है, बहुत सी खूबसूरत जगह नगर में अभी मजीद है जो खो के मुकाबले में, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम ख़राब होने नहीं देंगे, इस तरह ही रहेगा और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप भी इस मुकाम पर आ जाएंगे। अच्छा सर, मैं आपको राकापोशी की जन्नत का दारोगा कहता हूँ, तो दारोगे का काम ही ये है कि जन्नत का ख्याल रखना। तो हम आपके साथ गए थे हेपाकुन भी, तगाफेरी भी, जो बेस कैंप है राकापोशी का, तो क्या ये वैसे ही साफ सुथरे हैं या टूरिज्म की वजह से वहाँ भी कुछ अबतरी मच गई? सर, आजकल मेरी पहचान पाकिस्तान में राकापोशी का दरोगा से ही है जो आपने मुझे खताब दिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस पे अगर मैं सोचूं तो दरोगा का मानी भी चुकदारी का है,
तो यहाँ पर इंशाल्लाह जो जितना मैंने आप लोगों से सीखा है, जो जो और भरू से मैंने कुछ सीखा है, तो इंशाल्लाह मैं अपने जो मुझसे छोटे हैं, जो मेरे जूनियर हैं, जो मेरे हमनवा हैं, उनको मैं बताता हूँ कि भाई ये जो इलाका है इसी तरह ही खूबसूरत रहे, यहाँ पर गाड़ी की ट्रक ना हो, यहाँ पर मज़ीद पोल्यूशन ना हो, यहाँ पर बिल्डिंग्स ना हो जिस तरह फेरेमेड़ों में हुआ है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वही टेंट नुमा यहाँ खेमे हैं, यहाँ पर कैंप साइट है, फैसिलिटी तो है, टूरिस्ट को आने वाले को खाना मिलता है, साफ़ सुथरा माहौल है, सफाई सुथरा ही, बल्कि बहुत से लोग हैरान होते हैं इस ट्रक को करने के बाद, कहते कि वाहिद पहला ट्रक हमने देखा जहाँ पर गंदगी हमने नहीं देखी है। बाकी लोगों को हम समझाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर होटल होना चाहिए, ना हम वहाँ पर प्रॉपर होटल बनाएंगे, ना वहाँ तक हम गाड़ी का रसाई करेंगे। जो ट्रैकिंग करने वाले हैं, जो यहाँ आके अपने मशक्क़त अपना पसीना यहाँ गिरा के इस खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, उन्हीं को हम अलाउ करेंगे। यहाँ मैं दरोगा बैठा हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे राका पोशी का दरोगा बनाया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, आपकी वैसे कादरुल कलामी में कुछ शक नहीं, अभी आपने तज़किरा भी किया था, लेकिन जो सयाह आते हैं आपके यहाँ उनको आप कुछ कहना पसंद करेंगे? मैं आने वाले भाइयों से उनको वेलकम करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान, पूरा गिलगित बल्तिस्तान देखने के काबिल है, ये एक शाहकार है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नियामत है। हम एक सोने के कान के ऊपर बैठे हुए हैं, ये खजानों से भरा हुआ, ये खूबसूरत नज़ारों से दुनिया में एक यूनिक पाकिस्तान का चेहरा है ये इलाका। इस चेहरे में जब आप आएंगे, इस इलाके की खूबसूरती के बारे में, इसकी सकाफत, यहाँ की रवादारी, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के जो लोग हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा मालूमात होना चाहिए। कम से कम किस तरह सफ़र करते हैं, सफ़र पे आपको क्या ज़रूरत है, और किस तरह यहाँ नारायण से आपने सफ़र स्टार्ट करना है, तो किस टाइम पे आना है, रात दिन 12-1 बजे वहाँ से निकल के रात वहाँ तत्पानी में ख्वार हो जाते हैं, उल्टा लेने के देने पर जाते हैं, आइंदा ये तौबा करते हैं कि हम कहाँ आ गए इस इलाके में, तो इसका थोड़ा लिहाज करें। और दूसरा, इस इलाके का जब मेहमान नवाजी है, यहाँ के लोग पहाड़ों के लोग नरम मिजाज होते हैं, वो अपने मेहमानों को खुश कराते हैं, उनको नाराज़ नहीं करने देते हैं। ये नहीं है कि आप फिर इनके घरों में घुस जाएं और आप इनके बागों में घुस जाके सुरख तोड़ के अपने हद तक खुबानी और चेरी, ना कि उनकी शाखों को भी तोड़ते हैं, ठीक है, इस पर भी हम नाला नहीं हैं, खैर है, लेकिन ये थोड़ा सा मालूमात उनके पास होना चाहिए। बल्कि आपकी वसात से, इस चैनल की वसात से मैं सबको वेलकम करता हूँ हमारे इस इलाके की खूबसूरती जो छुपी हुई है, आप खुद भी इससे लुत्फानंदोज हो जाएं और आपने दूसरे जो लोग बाहर से हैं उनको भी आप दावत दें सियाहत, जब तक गिलगित बल्तिस्तान के ये रोड्स ठीक नहीं होंगे, जिस तरह कराकोरम हाईवे का पुरसान हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है, नारायण का आगान से आते हुए रोड सारा टूटा फूटा है, तता पानी पिछले 20 साल से वो आए दिन कोई ना कोई मसला होता है, ये सारे जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा आने वाले सयाहों के लिए भी बहुत मुश्किलात हैं, वो इन मुश्किलात को तय करके जब हमारे पास आते हैं तो उनसे जो भूल चूक होती है तो हम भी परेशान होते हैं, उनको हम क्या कहें, इतना जो गंदा रास्ता तय करके आए हैं। तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी वजाहत से कि गिलगित का एयरपोर्ट है, वही पुराना एयरपोर्ट है, वहाँ ATR जहाज़ कभी आता है कभी नहीं आता है, कौन आएगा हमारे पास? शुक्र है कि हम मशहूर है कि सिकरदों में इंटरनेशनल फ्लाइट चली है, तो उससे थोड़ा बड़ा अच्छा असर पड़ा है, बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ा है इस इलाके पे, टूरिज़म पे। तो साथ साथ मैं ये भी कहता जाऊँ कि कम अज़ कम टूरिज़म को हमारे पाकिस्तान में हमारे नसाब में शामिल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान अगर पूरे पाकिस्तान में, तो गिलगित बल्तिस्तान के स्कूलों में टूरिज़्म को छोटे लेवल पर भी पढ़ाया जाए, ताकि हमारे लोग आने वाले वक्त इसी टूरिज़्म से पूरा पाकिस्तान का बजट बने। और दिनों रात जब मैं नगर से रुखसत होने लगा तो एक सरप्राइज थी मेरे लिए कि इसरार ने एक
محفل کا انتظام کیا ایک سیلیبریشن کا, اور اس میں انہوں نے مجھے ایک چوغا پیش کیا. چوغا ان کے شاید پرنانا جو کہ یاسین کے گورنر تھے ان کا چوغا, اور وہ ان کے ورثے میں تھا. تو میں نے پہلے انکار کیا کہ یہ مطلب کہ آپ کی خاندانی ورثہ ہے, تو مجھے میں پھول لے جاتا ہوں کچھ چیریاں لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں سب سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے جو میں طاہر صاحب کو پیش کروں, تو یہ ہمیں سب سے زیادہ قیمتی ہے, سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے اور ہمیں عزیز بھی ہے, اس لیے میں آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری کیفیت کیا ہوئی. اسرار, میں اب بھی اس چوغے کی جو حدت ہے جس میں آپ کی محبت ہے, آپ کی الفت ہے, آپ کی دوستی ہے, وہ محسوس کرتا رہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.